धरती पर जन्म लिए हुए हर एक जीव को एक न एक दिन यहाँ से जाना ही होगा। इस दुनिया में कोई अमर नहीं है। जन्म और मरण का ये चक्र चलता ही रहता है। जीव अपने कर्म के आधार पर जन्म लेता है। जन्म लेने के बाद वह अपने खाते में लिखे हुए सुख दुख का भुगतान करता है। पुराणों में ऐसी कई सारी बातें लिखी हुई है कि मृत्यु के समय यमदूत आत्मा को लेने आते हैं, इसके बाद उन्हें नरक का दर्शन करवाते हैं। इन सारी बातों का खौफ कई बार लोगों को सताता रहता है। ऐसे में करें तो क्या करें? आज हम आपको चार ऐसी चीजों के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे अगर आप अपने पास रख लें तो आपको यमदूत सता नहीं सकेंगे और नहीं नरक का दर्शन करना होगा। चलिए जानते हैं, उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो इनमें सबसे पहला नाम आता है तुलसी का। जी हाँ, हिंदू धर्म में तुलसी किस हद तक महत्व रखती है इस बारे में किसी को बताने की जरूरत नहीं है। तुलसी को भगवान विष्णु का प्रिय माना जाता है। पुराणों में ऐसा कहा गया है कि यदि मौत के वक्त कोई मनुष्य अपने पास तुलसी के पत्तों को रखकर सोए तो यमदूतों का भय नहीं रहता है। मौत के समय होने वाले सारे कष्टों से उसे मुक्ति मिल जाता है। दूसरे नंबर पर हम बात करेंगे श्रीमद् भगवद गीता के बारे में। मृत्यु शैया पर लेटे हुए व्यक्ति को गीता का पाठ सुनाया जाना चाहिए। इससे आत्मा का शरीर से मोह दूर हो जाता है और शरीर को वह आसानी से छोड़ देती है। तीसरे नंबर पर हम बात करें तो गंगाजल है, क्योंकि पुराणों में ऐसा कहा गया है कि मरने से पहले इंसान के मुख में गंगाजल डालना चाहिए। ऐसा करने से शरीर के साथ साथ आत्मा भी पवित्र हो जाती है। ऐसा भी कहा गया है कि गंगाजल पास रखने से यमदूत आत्मा को न तो नरक के अंदर ले जा सकते हैं और न ही कठोर दंड नहीं दे सकते हैं। चौथे नंबर पर है रामायण। गीता के साथ साथ रामायण का भी पाठ सुनना चाहिए। ऐसा कहते हैं कि इंसान मौत के वक्त जैसा सोचता है उसकी गति भी वैसी हो जाती है। अच्छी सोच से उसकी आत्मा स्वर्ग में भी जा सकती है।